एक इश्क है इस दुनिया का, वो इश्क थोड़ी है। एक इश्क है जिसमें आप कुछ पाना चाहते हो, एक इश्क है जिसमें आप मिट जाना चाहते हो, वो इश्क है जहाँ आप मिट जाना चाहते हो। तू रहे मैं मिट जाऊं, ये इश्क है। तो जब हमारी चाहते कम हो जाती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होता थोड़ी है, सामने वाला जो बंदा है उसने वही करना है जो उसको करना है, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे गुस्सा कम आने लग जाता है। हमें समझ आने लग जाता है दो तरह की चीजें हैं हमारी लाइफ में। एक है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वहां हम एक्ट करते हैं, दूसरा हमें पता है कि यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, यू डेवलप सम काइंड ऑफ अ फेथ विद इट, और वो फेथ खोखला नहीं है। दुनिया की नजर में फेथ का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है, कि मेरी भगवान में बहुत आस्था है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया भाई, बड़ा मतलब ही भगवान है कि जिसकी आस्था है उसके साथ अच्छा होगा, जिसकी नहीं है उसके घर में डेथ होगी, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा है भगवान। फेथ का मतलब क्या है, चाहे कुछ रहे या मिटे, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, पैसा आए या जाए, भूख है लेकिन खाना मिले या ना मिले, मैं काम कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगा करके, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले या बुरा मिले, क्या फर्क पड़ता है, तू तो मेरे साथ है ना। दिस इज फेथ। तू जो कर रहा है वो सब सही है, सब मंजूर है, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, हट गए बीच में। दिस इज कॉल्ड फेथ। देखो क्या है, कितना सिंपल है, उठा करके हम ब्लेम डाल रहे हैं किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर, कहां है किस्मत। आपने दांव लगाया जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो, जिंदगी के खेल को खेल की तरह देखो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, रियलिटी को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अटैच हो रहे हैं उनसे जिन्होंने जाना ही जाना है। अगर आप जड़ से देखो, इस कर्मों के और इस फल के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या रास्ता है, थियोरेटिकली नहीं निकल सकते। जब तक आपकी अटैचमेंट्स रहेंगी चीजों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में या लोगों के साथ में, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अटैचमेंट कब तक रहेगी, जब तक ये गलतफहमी रहेगी कि मैं उससे अलग हूं, तभी तो आप उस पर कब्जा कर सकते हो। गड़बड़ क्या हो रही है, हमने अटैचमेंट का मतलब प्यार समझ लिया है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको ये गलतफहमी हो गई है कि अगर हम अटैचमेंट्स को छोड़ दें, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं, उसमें से भी 99% लोग, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा, ये सब छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा तो मेरी सारी अटैचमेंट छूट जाएंगे, जबकि ये नहीं है अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब। अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब, असली मतलब ये है कि इस दुनिया में रहना है, इस युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं है डर करके, इस युद्ध में रहना है, मरते दम तक लड़ना है, और लड़ते लड़ते हार और जीत की अटैचमेंट्स को छोड़ना है। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस के, अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, जो भी कुछ अंदर है वो सबको लुटा देना है, किसी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लानी। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी अटैचमेंट होगी मेरी वाइफ के साथ में तभी हम साथ में रह सकते हैं, जबकि ये बकवास है। जहां अटैचमेंट है वहां प्यार नहीं है। अटैचमेंट के साथ क्या खड़ा होता है, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का पूरा भंडार। ये मेरी वाइफ है तो मेरी इससे ये एक्सपेक्टेशंस है, एक भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़ा, मार काट, गुस्सा, डिवोर्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की जड़ क्या है, अटैचमेंट। अरे भाई, प्यार करने के लिए, प्यार से खुशी से अंदर से झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए आपको अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। अभी कुछ महीने बाद बारिशों का सीजन आने वाला है, बैठ करके आराम से बारिश को देखो, बारिश की एक एक बूंद को फील करो अपने हाथ में, पानी को देखो किस तरीके से पड़ रहा है, या जब प्यास लगी हो ना, जब प्यास लग रही है उसके 6 घंटे तक भी पानी मत पियो, एक पूरा दिन पानी मत पियो, 12 घंटे तक पानी मत पियो, उसके बाद धीरे धीरे उस पानी को प्यार हो जाएगा आपको पानी से और पानी को आपसे। पानी क्या लगता है आपका, वो पानी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, कौन है वो पानी आपका,
कोई नहीं है भाई, वो प्यार है। किसको प्यार बोलते हैं? ये जो धरती कर रही है हम लोगों के साथ में, ये प्यार है। जो हम धरती के साथ में कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो तो मतलब है, वो प्यार है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इस धरती में आप जो चाहे वैसे बीज बोलो, जो चाहे वो कर लो, धरती कुछ नहीं कहने वाली। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे, सब यही कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, सब उसी का रूप है। तो उनको और कुछ आता भी नहीं है, वो बदले में कुछ मांग भी नहीं सकते, किसी का ना कुछ अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पानी तो सबके लिए एक जैसा है ना, चाहे उसको कोई क्रिमिनल जा करके पिए या कोई बहुत ही बड़ा महात्मा पिए, पानी तो पानी है, पानी को तो दोनों से प्यार है। रियलिटी को एज इट इज देखना है, अपने चश्मों को हटा कर। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, करते हैं, ये है वो। पड़ोसी के यहाँ हो जाए तो यार जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे लगेगा कि जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो वो ट्रैक सही है गलत है? बहुत सिंपल है, जिस दिन अपने पड़ोसी को दुखी देख करके आपके दिल में दर्द होने, किसी को भी दुख में देखा, किसी को भी दर्द में देखा, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, आपके दिल में दर्द हो। और जब किसी को सुखी देखोगे, खुश देखोगे, बच्चों को खेलते हुए देखोगे, किसी को उड़ते हुए देखोगे आसमान में, कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए देखोगे, फूल को खिलते हुए देखोगे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां आराम से बैठे हुए होगे, आप खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे।